स्पीशीज सीरीज में आज हमारा स्पीशीज है वल्चर। यह सीरीज स्पीशीज रिकवरी प्रोग्राम का पार्ट है, जिसमें 21 स्पीशीज है जिस पर यूपीएससी प्रश्न पूछता है उसी को हम कवर कर रहे हैं। यह स्पीशीज इस हफ्ते भी करंट में भी है, जहां नेशनल एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन भी चालू किया गया, तो करंट के दृष्टि से भी और इस स्पीशीज सीरीज में यूपीएससी जहां पर प्रश्न पूछता है उसकी दृष्टि से भी यह जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देख रहे हैं कि कैसे यूपीएससी प्रश्न पूछता है और हमें कैसे कवर करना चाहिए। यह तो सीरीज जो है इसमें हम पार्ट्स बाय पार्ट्स यूट्यूब पर डिस्कस कर रहे हैं, परंतु अपनी तैयारी को एक निश्चित दिशा देने के लिए, बेसिक जीरो से जो है कवर करने के लिए आप अन अकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड की जा सकती है, जहां आपको मिलेगी लाइव क्लास, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कोर्सेज और इन सब का अनलिमिटेड एक्सेस। और 1 ईयर जो है उसके लिए आप आइकॉनिक और प्लस प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको अमित जैन रेफरल कोड यूज करने पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा ऑप्शनल की भी यहाँ तैयारी करवाई जा रही है, आप ऑप्शनल की तैयारी भी यहाँ सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं वल्चर के बारे में। वल्चर इस पर यूपीएससी 2012 में जो है प्रश्न पूछ चुका है, जहां यह जो लाइन है वह अभी भी करंट में, जो हमने नेशनल एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन चालू किया है, राष्ट्रीय एक नीति योजना वल्चर जो है उनके संरक्षण के लिए, गिद्धों के संरक्षण के लिए, वह यह प्रश्न था। कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आम दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए क्या उत्तरदायी है? तो यहां वल्चर संबंधित यह करंट उस समय जो था उसको पूछा गया था। इसको हम क्वेश्चन को वल्चर को डिस्कस करने के बाद लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर मैंने पहले ही बोला था कि वल्चर स्पीशीज यूपीएससी बहुत पूछ रहा है और आने वाले समय में भी यह इंपॉर्टेंट होगा। तो जानते हैं वल्चर, इनकी जो है स्थिति, कहां कहां ये डिस्ट्रीब्यूशन है उनका और कहां कहां ये मिलते हैं। वल्चर की अगर बात करें, इन्हें बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, एक न्यू वर्ल्ड वल्चर और एक ओल्ड वर्ल्ड वल्चर। न्यू वर्ल्ड में मिलते हैं जो, और ओल्ड वर्ल्ड में मिलते हैं। न्यू वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट है आपके कैलिफोर्नियन वल्चर और इंडियन कंडोर्स वल्चर। ओल्ड वर्ल्ड में आपके हैं व्हाइट रम्ड वल्चर और रेड हेडेड वल्चर। ये जो न्यू वर्ल्ड वल्चर है यह आपके उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में मिलते हैं, नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका, जबकि ओल्ड वल्चर है वह यूरोप, अफ्रीका व एशिया में मिलते हैं। यहां यह याद रखना है स्टार मार्क करके कि यह ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिक में नहीं मिलते हैं। अगर यूपीएससी क्वेश्चन दे वल्चर सभी महाद्वीपों में मिलते हैं तो वह रॉन्ग होगा, वह रॉन्ग होगा। ठीक है, देयर आर नो वल्चर इन ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। ठीक है, नेक्स्ट, इनकी जो गर्दन होती है और जो शेर होता है, वहां पर कोई फिदर मतलब कोई भी जो है वह सपाट होती है, उस पर कोई भी बाल वगैरह नहीं होते। ये इसलिए ताकि वह जब अन्य जीव जंतु खाते हैं तो वे हाइजीन बना रहे। और यह बैर हेड जो है, जो एकदम जहां कुछ नहीं होता, वह जो है थर्मो रेगुलेशन के लिए भी काम आता है। तो आगे बढ़ते हैं वल्चर के बारे में। वल्चर अगर हम इंडिया में देखें तो इंडिया में वल्चर के 9 स्पीशीज मिलते हैं और 5 जो है एक जीनस है जिप्स, उस जिप्स जीनस के भारत में 5 स्पीसीज है, 4 अन्य स्पीसीज है। ये 9 जो स्पीसीज है वह है, पहला ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड वल्चर, जिस जो आयुषिन के अनुसार है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। स्लेंडर बिल्ड वल्चर, यह भी जिप्स की प्रजाति है जिसकी आयुषिन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। लॉन्ग बिल्ड वल्चर, यह भी जिप्स की प्रजाति है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इजिप्शियन वल्चर एंडेंजर्ड, रेड हेडेड वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इंडियन ग्रेफोन वल्चर लीस्ट कंसर्न,
यह इसको इतना ज्यादा खतरा नहीं है। हिमालयन ग्रिफोन वल्चर नियर थ्रेटन, सिनेरियस वल्चर नियर थ्रेटन, बार्ब्ड वल्चर नियर थ्रेटन। यहां पर हमें इन सब के बजाय सबसे इंपॉर्टेंट जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ओरिएंटल व्हाइट बैक वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर और लॉन्ग बिल वल्चर और रेड हेडेड वल्चर, इन तीनों को जानना है कि यह क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। इसे इस डायग्राम से भी जो है जाना जा सकता है। चार आपके क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, एक एंडेंजर्ड है, तीन नियर थ्रेटन और एक लीस्ट कंसर्न। इसमें सारी जिप्स वैरायटी क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, एक जिप्स वैरायटी वो क्या है आपकी लीस्ट कंसर्न, लीस्ट कंसर्न। अब इनके कंजर्वेशन के लिए प्लान, इनके कंजर्वेशन के लिए भारत सरकार के द्वारा इन सिटू और एक्सिटू, इन सिटू मींस जहां उनका प्राकृतिक आवास है उसी पर संरक्षण के लिए, एक्सिटू कई अन्य जगह उनके संरक्षण के लिए प्लान बनाया गया है। तो वल्चर जो है वो जो है वह जो डेड मटेरियल्स पर, डेड ऑर्गेनिज्म पर जीवित रहते हैं, परंतु जिस तरह मानवीय गतिविधियां हो रही है और डेड ऑर्गेनिज्म वगैरह उनको नहीं मिल पाते हैं, उनके कारण उनकी संख्या कम हो रही है। प्राकृतिक आवास का जो संकुचन हो रहा है उसके कारण भी इनकी संख्या कम हो रही है। तो इसके लिए वल्चर सेफ जोन एरिया पर्टिकुलरली उन्हीं के लिए है और इस तरह के जो है घोषित किए जाते हैं। इसके अलावा एक एनजीओ है भारत का एनवायरमेंट के मामले में, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इसके द्वारा भी कई जो वल्चर कंजर्वेशन के लिए इन सिटू एक्सिटू प्लान किए जा रहे हैं वह इसमें जो है कार्य करती है, वह इसमें कार्य करती है। अब वल्चर की जो है ज्यादा डेथ का एक प्रमुख कारण जो है, जो 2012 में क्वेश्चन पूछा गया था, वह था डेक्लोफेनेक। यह एक ड्रग है जो जो है दर्द निवारक दवाई है, परंतु जब ऑर्गेनिज्म जो है इसको लेता है तो उसमें कुछ रिमेन्स इस ड्रग के रह जाते हैं। जब वह डेड होता है तो जब वल्चर इसको खाते हैं तो यह है जो दवाई जिसका बायो मैग्निफिकेशन होता है, यह है जिसका जैव आवर्धन होता है, ये जब वल्चर में पहुंचती है तो वल्चर की किडनी को अफेक्ट करती है और इसके कारण वल्चर्स की डेथ हो रही है। इसी कारण जो यूपीएससी ने यह जो प्रश्न पूछा था इसका आंसर था बी। गो पशुपालकों द्वारा रोगण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि, यह उसका आंसर था। अब इसके अलावा करंट है, तो करंट के कंटेक्स्ट में भी हम जो एक्शन प्लान है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन, वह भी जान लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि यूपीएससी डायरेक्टली वल्चर के बारे में पूछ ले या वह इस प्लान के बारे में भी पूछ सकता है। नेशनल एक्शन प्लान फॉर वल्चर कंजर्वेशन, वल्चर के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय प्लान 2020 में अभी अक्टूबर में हमें ही घोषित हुआ है, परंतु इससे पहले 2006 में भी प्लान आ चुका है। वह प्लान जो था वह 3 साल का प्लान था। 2020 का जो प्लान है वह पंचवर्षीय है, जो 2020 से 2025 तक लागू होगा, 2020 से 2025 तक। यह प्लान जो है नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ उसके द्वारा जारी किया गया है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ के द्वारा जो है इसको जारी किया गया है। इस प्लान के तहत 3 वल्चर जो जिप्स वैरायटी के हैं, जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, उनका संरक्षण कैसे किया जाए, उनके लिए क्या स्ट्रेटेजी हो, उसके लिए जो है कार्य के लिए जो है विशेष फोकस किया गया है। तो इसमें व्हाइट रम्ड वल्चर, रेड हेडेड जो है यह नहीं होगा, यह है आपका स्लेंडर बिल्ड वल्चर और इंडियन वल्चर जो है इनके लिए फोकस दिया गया है, यह याद रखना है। रेड हेडेड वल्चर एज ए इन जनरल हम करेंगे, परंतु फोकस यहां जिप्स वैरायटी पर है कि उनका संरक्षण जो है कैसे किया जाए। फिर इस प्लान के तहत यह कहा गया कि अगर रिसर्च फेज में यह पाया जाता है कि यह ड्रग वल्चर के लिए हानिकारक हो सकती है, वह वल्चर को नुकसान हो सकता उससे, तो ड्रग जनरल कंट्रोलर
ऑफ इंडिया जो है उस ड्रग को ऑटोमेटिकली जो है रिमूव कर देगा कि वेटरनरी उपयोग के लिए पशुओं पर वह उपयोग न की जाए। यह प्लान कहता है। इसके अलावा इस प्लान में कहा गया है कि वल्चर के संरक्षण के लिए हर राज्य में कम से कम एक जो है वल्चर सेफ जोन विकसित किए जाएंगे, और यह रेड हेडेड वल्चर और इजिप्शियन वल्चर तो अन्य वल्चर्स के लिए यह सेफ जोन्स होंगे जहां पर्टिकुलरली वह एरिया डेडिकेटेड होगा उन वल्चर्स के लिए। इसके अलावा जो राज्यों के वन विभाग हैं तथा वल्चर कंजर्वेशन में संलग्न जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, नॉन फॉर प्रॉफिट संस्थाएं हैं तथा जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है वह एक कोऑर्डिनेटेड नेचुरल एक्शन प्लान बनाएगी इन वल्चर्स की काउंटिंग के लिए, ताकि हमें रियलिटी में पता लग सके कि इनकी संख्या कितनी है। तथा इसी संदर्भ में एक राष्ट्रीय डाटाबेस भी बनाया जाएगा जो वल्चर के संरक्षण के लिए जो थ्रेट सामने आ रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रोक्यूशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक के शॉक से उनकी डेथ हो रही है, या अनइंटेंशनल जो है पॉइजनिंग की वजह से उनकी डेथ हो रही है। इस कारण यह भी इस प्लान में फोकस किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि हमें वल्चर का संरक्षण क्यों करना चाहिए, व्हाई वल्चर्स आर सो मच ऑफ इंपोर्टेंस, वल्चर इतने इंपोर्टेंट क्यों है, वल्चर जो है वह स्केवेंजर्स है, यह प्रकृति में सफाई का काम करते हैं, जो डेड एनिमल्स है यह उनको खाते हैं, और इस तरह प्रकृति में जो है वह सफाई का काम करते हैं। इसके संदर्भ में जो डेड ऑर्गेनिज्म है उससे जो अन्य बीमारियां वगैरह फैल सकती है उसको भी रोकने में जो है मदद करते हैं। सो दे आर नेचर्स क्लीनअप क्रू, प्रकृति के सफाई कर्मचारी है, इसलिए हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। तो वल्चर के बारे में, हमें जानना है, वल्चर जो है इनकी डेथ हो रही है, पर्टिकुलरली ड्रग यूज जो इनकी किडनी को अफेक्ट कर रही है। इसी संदर्भ में भारत में जो है उससे पहले वल्चर विश्व में दो भागों में, न्यू वर्ल्ड वल्चर ओल्ड वल्चर। न्यू वर्ल्ड वल्चर जो है वह साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में मिलते हैं, ओल्ड वल्चर अफ्रीका एशिया और यूरोप में, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया में कोई भी वल्चर नहीं मिलते हैं, वल्चर वहां नहीं मिलते हैं। फिर वल्चर जो है इसकी 9 प्रजातियां भारत में मिलती है, उसमें से 5 जो है जिप्स जीनस से बिलोंग करती है और इसमें से 4 जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, 3 जो है एक 3 जो है नियर थ्रेटेंड है, एक जो है एंडेंजर्ड है और एक लीस्ट कंसर्न है। इनके कंजर्वेशन के लिए हमने एक्सिटू इनसिटू प्लान बनाया है, और अभी हमने नेशनल कंजर्वेशन एक्शन प्लान जो है, नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्डचर चालू किया है, जो पंचवर्षीय योजना है, इसके तहत हर स्टेट में कम से कम एक सेफ जोन बनाने की बात कही गई। तो यह हमने वल्चर के बारे में जाना, बट यहां पर हम कोई एक स्ट्रक्चर्ड वे में नहीं पढ़ रहे, परंतु अगर आपको स्ट्रक्चर्ड वे में पूरी तैयारी करनी है तो आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसका पेड सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां आपको डेली लाइव क्लास, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में कोर्सेस और इन सब का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। इसकी जो है ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से जो है डाउनलोड की जा सकती है। मेरे बारे में पहले नहीं बताया था, माय नेम इज अमित कुमार जैन, को फाउंडर ऑफ द कोर isngsindu.com, टेलीग्राम चैनल लिंक unacademy_amitjain, अनअकैडमी पर स्पेशल क्लासेस और लिंक जहां पर आप मेरे प्लस और अन्य कोर्सेस ले सकते हो, अमित जैन DC 1785, जहां अभी ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को लेते हुए बेसिक से एडवांस क्लासेस चल रही है, वह आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ टॉप ऑनलाइन एजुकेटर्स पढ़ा रहे हैं इनके तथा इंक्लूडिंग माइंड आप वीडियो जो है एक्सेस कर सकते हो, जहां 15,000 से भी ज्यादा कोर्सेस अवेलेबल है, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, प्रीलिम्स संबंधी और ऑप्शनल के लिए भी डेडिकेटेड जो है कक्षाएं चालू हो गई है, वह आप कवर कर सकते हो। 1 ईयर फीस, आइकॉनिक प्लेटफॉर्म जहां आपको 1-to-1 मेंटोरशिप उपलब्ध नहीं होगा, वह जो है आइकॉनिक प्लेटफॉर्म में है, और यह जो मैं अभी फीस बता रहा हूँ वह प्लस प्लेटफॉर्म की है। इस प्लस प्लेटफॉर्म की फीस 49,500
जो 24 अक्टूबर को फीस इंक्रीज हुई थी, अप्लाई कीजिए रेफरल कोड अमित जैन, आपको 10% छूट मिलेगी, फीस हो जाएगी 44,550। 2 ईयर फीस 72,000, अप्लाई रेफरल कोड अमित जैन, फीस हो जाएगी 64,800। आइकॉनिक प्लेटफॉर्म जहां आपको मेंटोरशिप उपलब्ध है, जहां आपको आपके अकॉर्डिंग क्या पढ़ना है, आप कैसे अपनी स्टडी को अपने अकॉर्डिंग ट्यून करोगे, क्योंकि यह इस एग्जाम के लिए मच रिक्वायर्ड है। इसकी 1 ईयर की फीस 64,000, अप्लाई रेफरल कोड अमित जैन, फीस 57,600, 2 ईयर फीस 99,000, अप्लाई रेफरल कोड अमित जैन, फीस 89,100। इन शॉर्ट आपको 10% छूट मिलेगी। ये यही नहीं, अन्य स्टेट पीसीएस और अन्य एग्जाम के लिए भी यह कोड अप्लाई कर सकते हैं। ये सीरीज जो है केवल यूपीएससी के लिए नहीं, स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जहां यूपीएससी आजकल प्रश्न पूछ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, अगली सीरीज में अगला वीडियो हम देखेंगे एशियाटिक लायन पर, एशियाई शेर।